हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमसीबी। फ्रेंड्स, आज हम एक ब्यूटीफुल ब्राइडल साड़ी की जो डिज़ाइन बनाएंगे, यहाँ पे बॉर्डर ब्लू कलर और साड़ी ग्रीन कलर है, पल्लू भी इसका ब्लू कलर का है। फ्रेंड्स, ये एंगेजमेंट साड़ी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड साड़ी है। साड़ी पल्लू के इन थ्रेड्स को यूज़ करते हुए हम आज एक ब्यूटीफुल साड़ी की जो डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हमें पल्लू के इन थ्रेड्स पे टेप को रखते हुए मार्कर की मदद से एवरी हाफ इंच के डिस्टेंस पे मार्क करना है। आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एवरी हाफ इंच के डिस्टेंस पे मार्क किया है। नेक्स्ट हमें थोड़े से थ्रेड्स को लेना है, हाफ इंच के डिस्टेंस पे जो मार्क किया हुआ है उसमें जितने थ्रेड्स आएंगे उतने ही थ्रेड्स को अलग करते हुए हल्का सा ट्विस्ट करके पल्लू के नज़दीक एक नॉट बनाना है। पल्लू यहाँ पे फोल्ड ना होते हुए इस तरीके से हमें एक नॉट बनाना है। नेक्स्ट हमें फिर से थोड़े से थ्रेड्स लेने हैं, हाफ इंच के डिस्टेंस पे जो मार्क किया हुआ है उसमें जितने थ्रेड्स आएंगे उतने ही थ्रेड्स को अलग करते हुए पल्लू के नज़दीक एक टाइट नॉट बनाना है इस तरीके से। नेक्स्ट हमें फिर से थोड़े से थ्रेड्स लेने हैं और इस मार्क पे जितने थ्रेड्स आए हैं इन सभी थ्रेड्स को हल्का सा ट्विस्ट करके पल्लू के नज़दीक एक टाइट नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़े से नॉट्स बना लिए हैं। इसी तरीके से एवरी हाफ इंच के डिस्टेंस पे जो हमने मार्क किए हुए हैं इन सभी को एक एक नॉट बनाना है। इस तरीके से सभी नॉट बना लिए हैं। नेक्स्ट हमें ये जो फर्स्ट वाला थ्रेड है इसमें एक नीडल पास कर लेना है और स्मॉल से भी थोड़े से बिग साइज़ के दो बीट्स लेने हैं। इस थ्रेड्स में पास करने के बाद नेक्स्ट वाला थ्रेड लेना है, इसमें इक्वली दो पार्ट्स बनाने हैं। एक पार्ट साइड रखते हुए इस पार्ट में और इन पार्ट को, इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे इन्हें वी शेप में लाना है और ये थ्रेड्स जहाँ पे वी शेप आए यहाँ पे एक नॉट बनाना है। इस तरीके से टाइट एक नॉट बनाएंगे, ये बीट्स बिल्कुल भी ट्विस्ट नहीं होना है और वी शेप में ये नॉट्स आने हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हमें ये जो हाफ पार्ट है इसमें इस नीडल की मदद से इस नीडल को इसमें पास करते हुए स्मॉल से भी थोड़े से बिग साइज दो बीट्स हमें पास कर लेने हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे कोई भी लॉन्ग शेप के बीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ड्रॉप शेप के बीट्स, वीट शेप के बीट्स, कोन शेप के बीट्स, इस बीट्स को भी यूज़ करते हुए इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। नेक्स्ट वाले थ्रेड में हमें दो पार्ट्स बनाने हैं, एक पार्ट साइड में रखते हुए और इन दोनों पार्ट को हमें मिलाना है नीटली। इन दोनों पार्ट को मिलाते हुए जहाँ पे ये थ्रेड्स वी शेप में आए यहाँ पे एक टाइट नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनाना बहुत ही ईजी है, थोड़े से मटेरियल्स को यूज़ करते हुए कम टाइम में भी एक ब्यूटीफुल ग्रैंड साड़ी कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं, ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी, बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये डिज़ाइन परफेक्ट भी आएगा। नेक्स्ट हमें इन थ्रेड में दो पार्ट्स बनाने हैं और इन दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए जहाँ पे ये थ्रेड्स वी शेप में आए यहाँ पे हमें इन दोनों थ्रेड्स को मिला के एक टाइट नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़े से नॉट्स बना लिए हैं। इस तरीके से एवरी नॉट हमें वी शेप में लाना है। नेक्स्ट वाले थ्रेड में ये जो हाफ पार्ट बचा हुआ है इसमें इस नीडल की मदद से दो बीट्स हमें पास कर लेने हैं। इन दोनों बीट्स को इन थ्रेड्स में इस तरीके से स्लोली पास करने के बाद इस थ्रेड को हम साइड रखेंगे। नेक्स्ट वाले थ्रेड में फिर से हमें इक्वली दो पार्ट्स बनाने हैं। यहाँ पे हमें इस पार्ट को साइड रखना है और इस पार्ट को इन दोनों को मिलाते हुए पल्लू के नज़दीक, सॉरी, इन बीट्स के नज़दीक एक टाइट नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन बना लिया है। इसी तरीके से हमें सेकेंड स्टेप कंटिन्यू करना है, बीट्स को ऐड करते हुए इस तरीके से हमें वी शेप में लाते हुए नॉट्स बनाने हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग वाला डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आएगा। स्टार्टिंग वाले थ्रेड हमें फुल लेने हैं और इसमें दो बीट्स ऐड किए हैं। सेकेंड वाले नॉट में दो पार्ट्स बनाते हुए हाफ पार्ट लेके एक नॉट बनाया है, इस तरीके से हमें कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट हमें थर्ड स्टेप में इन दोनों थ्रेड्स को मिलाते हुए एक नॉट बनाना है। ये सभी थ्रेड जहाँ पे वी शेप आए यहाँ पे हमें एक नॉट बनाना है। फिर से हमें दो थ्रेड्स लेने हैं, इन दोनों थ्रेड्स को वी शेप में लाते हुए
यहाँ पे एक टाइट नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन में जो भी हम नॉट्स बनाएंगे उसका डिस्टेंस सेम और इक्वल आना है। फुल साड़ी में वर्क रेडी होने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। नेक्स्ट हमें इन दोनों थ्रेड्स को मिलाते हुए एक टाइट नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं थर्ड स्टेप कंटिन्यू कर लिया है। नेक्स्ट हमें 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड लिया है। ये जो लास्ट में जो हमने नॉट्स बनाए हैं इसमें से बैक साइड से हमें नीडल को पास कर लेना है। उसके बाद 5 स्ट्रैंड्स ऑफ जरी थ्रेड लिया है। इस जरी थ्रेड को इन सिल्क थ्रेड के बैक साइड से पास करते हुए इस नॉट में से नीडल को पास करके एक और नॉट बनाना है। एक टर्न लेके जरी थ्रेड और सिल्क थ्रेड इन दोनों को नीड करते हुए एक और टर्न लेना है। नेक्स्ट हमें एक और टर्न लेते हुए साइड में नॉट बनाना है। फ्रेंड्स, इसी तरीके से साड़ी पल्लू के इन थ्रेड्स को यूज़ करते हुए और भी सारी कुछ डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। उनमें से जो लेटेस्ट है उनका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। ऑल्सो लेटेस्ट सारी कुछ टसल्स डिज़ाइन का एक अलग प्लेलिस्ट बनाते हुए उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऑल्सो वीडियो के एंड में भी दे दिया है। फ्रेंड्स, ये एक टैसल रेडी हो गया है। इसे ऊपर की ओर स्लाइड करते हुए नेक्स्ट वाले थ्रेड में हमें नीडल को पास करते हुए यहाँ पे एक और टैसल बनाना है। टसल्स बनाने के लिए हमने 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड यूज़ किया है। इन 90 स्ट्रैंड्स ऑफ सिल्क थ्रेड को भी आप इजीली 5 मिनट में बना सकते हैं। उसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है। आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें थर्ड वाले टर्न लेते हुए जरी थ्रेड का एक नॉट बनाना है। सिर्फ इस जरी थ्रेड में से नीडल को एक बार फिर से पास कर लेना है। उसके बाद एक्सेस जरी थ्रेड को हम कट कर लेंगे। उसके बाद इन सिल्क थ्रेड को भी हमें नीटली ट्रिम कर लेना है। इसी तरीके से हमें एक ग्रीन कलर और एक ग्रीन कलर एक ब्लू कलर इस तरीके से टासल्स बनाते हुए वर्क को कंप्लीट कर लेना है। फ्रेंड्स, सभी टासल्स बनाते हुए हमने वर्क को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करते हुए और पे क्लिक कीजिएगा। इससे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिज़ाइन एक नए वर्क के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।